हैं बॉडी के अंदर, किस प्रकार से पूरी गाड़ी चकना पूरा हो गई है, पार्ट से पार्ट सारे टूट चुके हैं, जो पूरी की पूरी गाड़ी है वो डैमेज हो चुकी है। इस प्रकार की हालत बनी है ये देख। न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। नरवाना में एक बुरी घटना घटी है, बुरी खबर है। नरवाना के तीन पत्रकार जो लगातार लंबे समय से काम कर रहे थे, उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी है उन पत्रकारों की जो अपने दिनचर्या के अनुसार डेली अपना काम करने के लिए जाते थे और आज भी जा रहे थे, तो अचानक से लोन गांव से तब क्रॉस करते हैं तो अचानक से नील गायें जो उसके उनके सामने आ जाती है और गाड़ी जो अनबैलेंस हो जाती है नील गायें आने से। और जो पेड़ आप देख सकते हैं भारी भरकम जो मजबूत पेड़ है, इन पेड़ों से जो गाड़ी है वो टकरा जाती है, वो गाड़ी टकरा जाती है और उसके बाद ये जो हालत है वो आप गाड़ी की देख सकते हैं कंडीशन कैसी है। और उसके अंदर बैठे हुए जो पत्रकार थे, सीट बेल्ट लगाए हुए थे, उनके भी देख सकते हैं एयर बैग खुले हैं और एयर बैग खुलने से भी इस प्रकार की हालत बनी है। ये देख सकते हैं आप, ब्लड लगा हुआ, एयर बैग खुले हुए हैं, सीट उल्टी हुई है, सीट जो सभी जो सामान है बिखरा हुआ है, आगे के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, यानी कि भयंकर भिड़न हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। जो तीन पेड़ मजबूत जो तीन पेड़ थे रोड के सामने, उनमें जाकर टकराई है, अनबैलेंस हुई है नील गाय आने से। तो ऐसे में एयर बैग खुले हैं जिसके कारण से जो है गनीमत ये रही कि जान बच गई और गंभीर रूप से जरूर घायल हुए हैं। नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में सबसे पहले उनको लेके गए हैं और उसके बाद उन्हें बाहर भी रेफर कर दिया गया है। रामनिवास गर्ग हमारे पत्रकार सीनियर जो लगातार लंबे समय से जो है मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, वो लगातार मीडिया जगत में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। ये देख सकते हैं आप हादसे की वो तस्वीर, वो गाड़ी जिस गाड़ी को लेकर वो अपने फील्ड में जा रहे थे, अपने काम के लिए जा रहे थे, अचानक से नील गायें आ जाती है और फिर ये पूरी घटना घट जाती है। तो देख सकते हैं नील गायें आने से इतना बड़ा हादसा, पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि किस प्रकार से नील गायें आने से बड़े बड़े हादसे हुए और आज हमारे ही पत्रकारों के साथ इस प्रकार से घटना घटी और बुरी खबर है ये। ये देख सकते हैं गाड़ी की हालत, आप देख सकते हैं इतनी तेजी से टकराई है कि जो पेड़ के अंदर आधी चली गई है ये गाड़ी और आगे का पूरा जो हिस्सा है पूरा डैमेज हो चुका है। ये देख सकते हैं बारीकी से मैं दिखाना चाहूँगा, सारा का सारा जो आगे का हिस्सा है बिल्कुल डैमेज हो चुका है, एयर बैग खुले हैं ये सारे के सारे। ये देखो भाई, एयर बैग खुलने से जो है जान बची है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गंभीर घायल हुए हैं तीनों पत्रकार। और ये देख सकते हैं आगे का पूरा हिस्सा मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से इन पेड़ों के अंदर ये गाड़ी लगी है, भयंकर रूप से जो है गाड़ी एक्सीडेंट हुई है और तीन पत्रकार थे जो घायल हुए हैं। ये देख तस्वीरें आप एनजी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, लोन और दमतान के बीच ये बड़ा हादसा हुआ है। हम चाहेंगे कि इस खबर को आप शेयर करें ज़रूर। हमारे तीन पत्रकार जो बड़े ही बुद्धिजीवी और सीनियर पत्रकार हैं उनके साथ बुरी घटना घटी है, बड़ा हादसा हुआ है। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये देख लेकिन ये हादसा भाई, जूता भी अभी तक जो हमारे पत्रकार जी का यहीं पड़ा हुआ है, सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, ये देख सकते हैं। और इस खबर को आपको दिखाने का मेरा मोटिव यही, आप देख सकते हैं इनकी जान बच गई थी। ये देखो सारा का सारा आगे का हिस्सा है जो बिल्कुल टूट चुका है भाई, देखो दूर दूर तक जो सामान बिखरा हुआ है, ये देखो गाड़ी की हालत। तो भाई अब गाड़ी को लेके जा रहे हैं, जो एक्सीडेंटल गाड़ी है उसको उठाने के लिए जो है क्रेन आ चुकी है। सेफ्टी का यूज जरूर, तो गाड़ी को ले जाता है। तो
तो गाड़ी को उठाया जा रहा है, ये देख सकते हैं ये एक्सीडेंटल गाड़ी है। क्रेन आई है और क्रेन के माध्यम से जो है इस गाड़ी को लेके जाएंगे। ये देख सकते हैं भाई कितनी भयानक ये टक्कर है। ये आगे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं पेड़ के अंदर किस प्रकार से पूरी गाड़ी चकनाचूर हो चुकी है। ये देखो पार्ट के पार्ट सारे टूट चुके हैं। ये देखो भाई पूरी की पूरी गाड़ी है वो डैमेज हो चुकी है।